अरे कृष्णा, एमएससी 37 वाले स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। डिस्क्राइब क्लियर द टर्म फास्फोरस सेंस। फास्फोरस सेंस का इतना इंपोर्टेंट टॉपिक है कि इस बार जरूर लगेगा एग्जाम में, और आपके पूरे 15 नंबर में आपको एग्जाम में मिलेगा। तो क्वेश्चन को मिस ना करें, इस टॉपिक को जरूर से जरूर रेडी करें, जरूर आएगा इस बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छी लगे लाइक करें करो। और भाई देखो, नोट्स आपके लिए बना रखे हैं, यदि नोट्स की ज़रूरत है तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। यदि नोट्स नहीं ले सकते तो आप इन्हीं में से बना लो, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है ऐसी। वीडियो कैसी लगती है जरूर बताइए। चलिए, और इस बार जरूर आएगा ये क्वेश्चन 15 नंबर में। फोटो केमिस्ट्री का ये टॉपिक है आप लोगों का। चलिए, क्राइटिन सबस्टेंस आर एक्सपोज लाइट इमिट लाइट ब्राइट टाइम द लाइट सोर्सेज कट ऑफ। दिस फिनोमिना नाउ फास्फोरेसेंस एंड सबस्टेंस कॉल्ड फास्फोरेसेंट सबस्टेंट सॉलिड सबस्टेंस जिंक सल्फाइड एलिकीन अर्थ मेटल्स एक्सेबिट दिस फिनोमिना। द मोलिक्यूल लास्ट फ्रीडम ऑफ द मोशन दैट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स कीप जंपिंग बैक स्लो क्वाइट टाइम। फास्फोरेसेंस कंसाइडर स्लो स्लोली फास्फोरेसेंस एक्योर फास्फोरेसेंस सबस्टेंस लॉन्ग टाइम। अब इसकी प्रिंसिपल देख लेते हैं, क्या है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ फास्फोरेसेंस मैं बता दूं, यदि आप इसी टॉपिक को हिंदी में देखना चाहते हैं तो मेरे ही चैनल पर मैंने इसको हिंदी में बना रखा है। ये यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में आपको बताया जाएगा। ज़्यादा अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी समय ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैं सिर्फ इंग्लिश और इंग्लिश रीड कर रही हूँ। तो प्रिंसिपल ऑफ फास्फोरेसेंस क्या बोलता है, फर्स्ट स्टेप है इसका। मॉलिक्यूल इन द ग्राउंड स्टेट सिंगलेट यूवी विजिबल रेडिएशन द प्रॉपर फ्रीक्वेंसी वन इलेक्ट्रॉन पासिंग द वीकेंड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हायर एनर्जी लेवल। चलो तो मैं थोड़ा कुछ बता देती हूँ, फिर भी एक्सप्लेन कर दे। इसमें बोला कि जो मॉलिक्यूल होगा वो ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, एक तो सिंगलेट होगा। किसकी फॉर्म में होगा, वो यूवी की फॉर्म में होगा, रेडिएशन में प्रॉपरली फ्रीक्वेंसी फॉर्म में होगा। जो भी इसमें एनर्जी प्रेजेंट होगी वो हाई लेवल में प्रेजेंट होगी। किस में प्रेजेंट होगी, हाई लेवल में प्रेजेंट होगी। ओके, सेकेंड पॉइंट है इसी का, इफ द स्पिन द प्रोमेटेड इफ द स्पिन द प्रोमेटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट अंडर गो चेंजिंग द नेट स्पिन स्टिल जीरो। दिस इज कॉल्ड द एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। द प्रोमेटेड इलेक्ट्रॉन स्पिन प्रोमेटेड इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन पैरेलल द ओरिजिनल पर्टिनेटर एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट। इसने बोला जो स्पिन है प्रोमेटेड की इलेक्ट्रॉन की, वो किसमें एग्जिस्ट नहीं हो रही है, वो स्पिन में एग्जिस्ट नहीं हो रही है। और यदि प्रोमेटेड में एक्स इलेक्ट्रॉन्स है भी तो वो सिंगलेट में हैगा। ठीक है, चलिए थर्ड देखिए, इंडिकेट लाइट स्ट्रिक फास्फोरेसेंट सबस्टेंस द मॉलिक्यूल एनर्जी एच वी एक्साइटेड द सिंगल सिंगल ग्राउंड स्टेट एस जीरो द सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट एस वन इंट्रा सिस्टम क्रॉसिंग ए सिंगलेट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन द ट्रिपलेट स्टेट बाय द वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन। अब देखो मैं है ना इस पे पूरा का पूरा एक डायग्राम भी बना रखा है, मैं अभी आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी, सब फिर कंबाइन हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो उससे पहले आप थोड़ा ये देख लीजिए, ये लॉन्ग में आएगा इसलिए थोड़ा क्वेश्चन लेंथी बन रहा है, लेकिन मैं प्रयास कर रही हूँ कि ज़्यादा समय ना लगाया जाए। ठीक है, तो क्या होगा, जो भी फास्फोरस सेंस होगा सेंट होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूल के जो भी ग्राउंड स्टेट में होगा ना वो फॉर्म सिंगल में होगा, और जो भी एनर्जी होगी वो एच वी की फॉर्म में होगी। ठीक है, और क्रॉसिंग करेगा वो किसको, ट्रांजिशन को, ट्रिपलेट स्टेट में पहुंचा देगा। ठीक है, नोट पॉइंट इसमें है कि द एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड ट्रिपलेट लोअर द एनर्जी ऑफ द क्रोस्पोंडिंग सिंगलेट स्टेट। जो भी एनर्जी होगी वो किस में होगी, सिंपली वो ट्रिपलेट में होगी, बट वो लो फॉर्म में होगी। ठीक है, और वो क्रॉस करेगी किसको, सिंगलेट फॉर्म को क्रॉस कर देगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बोला इसने डायरेक्ट ट्रांजिशन द ग्राउंड सिंगलेट इलेक्ट्रॉन स्टेट द ट्रिपलेट इलेक्ट्रॉन्स स्टेट इज इम्पॉसिबल द लेंथ चेंज इन द मल्टीप्लिसिटी लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी इज फॉर बिटवीन ट्रांजिशन।
डायरेक्टली किस में होगा, जो ग्राउंड स्टेट होता है इलेक्ट्रॉन का वो किस में होता है, वो चेंज हो जाएगा, लेकिन चेंज किस फॉर्म में होगा, वो होगा मल्टीप्लिसिटी की फॉर्म में चेंज होगा, और उसकी जो पोजीशन रहेगी वो लो फॉर्म में पोजीशन रहेगी। अब देखिए, बिकॉज द ट्रांजिशन ट्रिपलेट टी वन सिंगलेट ग्राउंड स्टेट फॉरवर्ड इन इलेक्ट्रॉन स्पिन, द ग्राउंड स्टेट इज द पैरेलल स्पिन द ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। जो देखो ट्रांजिशन स्टेट होगा वो क्या, एक तो सिंगलेट फॉर्म में होगा ग्राउंड के, ठीक है भाई, और जो स्टेट भी होगा वो ट्रिपलेट में एग्जिस्ट करेगा, मतलब फर्स्ट से थर्ड की फॉर्म की तरफ जाता है वो। फिर इसने बोला द एक्साइटेड मोलिक्यूल द ट्रिपलेट स्टेट टी वन लॉन्गर टाइम, जो मोलिक्यूल होगा वो क्या होगा ट्रिपलेट स्टेट में क्या होगा लॉन्गर टाइम में कन्वर्ट हो जाता है, दिस टाइम फ्यू सेकेंड मिनट इवन इवन आवर्स, द इलेक्ट्रॉन्स बैक 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 डाउन द इमोशन इम्पाइशन ए फोन फोटोन सॉरी फोटोन, दिस फिनोमिना इज द फास्फोरेसेंस बी इल्यूस्टर द जैकोबन डायग्राम। ये जो भी आपको एक डायग्राम दिखाया जाएगा उसी के बेस पे यदि आप डायग्राम बनाते हो तो एक तो आपको आप कुछ करो या ना करो एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट ये भी होता है, एक टिप दे देती हूँ मैं आपको साथ में कि आप डायग्राम जरूर बनाओ, यदि आप डायग्राम बना रहे हो अच्छे से तो आपको आपके नंबर काट कोई नहीं काटेगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे एग्जाम में। देखिए डायग्राम में आपका वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन है यहाँ पे, ये अब जो ऑप्शन है फ्लोरोसेंस का क्या है यहाँ से हो रही है, ये एनर्जी लो फास्फोरेसेंस है यहाँ से, देखिए ये पूरा डायग्राम है ऐसे बना के आना है। देखिए अब एप्लीकेशन ऑफ फास्फोरेसेंस को देख लेते हैं, एप्लीकेशन क्या है इसमें, फर्स्ट पॉइंट है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक हाइड्रोजन कार्बन प्रोडक्ट्स, सेकेंड है द मैन्युफैक्चर लुमिनेशन पॉइंट्स यूज इन द डिटेल्स इलेक्ट्रॉन स्वीट्स सो ऑन, थर्ड पॉइंट है डिटर्मिनेशन एस्प्रिट एसिड ब्लड सीरम शेयर, फोर्थ पॉइंट है हाईली कैपेबल द फास्फोरेसेंस एनालिसिस, ठीक है ये आपके कुछ पॉइंट थे। इसी के साथ मैं आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक टॉपिक कंप्लीट होता हूँ, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। हरे कृष्ण।